बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि खबर अच्छी है या बुरी है, इसके मुतल्लिक मैं खुद डाउट में हूँ। आप भाई मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये खबर भाई खारजी भाइयों के लिए अच्छी थी या बुरी थी, क्योंकि भाई मिक्स खबर तो सही है लेकिन बंदे हम मिक्स हैं, कुछ इस तरफ के हैं कुछ इस तरफ के हैं, उनके लिए अच्छी है उनके लिए बुरी है। तो आप भाई मुझे भाई कमेंट में बता सकते हैं इसके मुतल्लिक, इस न्यूज़ के मुतल्लिक क्या डिटेल है, यानी कि अगर मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, और उसके अलावा आप बता सकते हैं भाई ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, जो भी आपका भाई रिएक्शन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। खबर ये है इकामों के मुतल्लिक। आप सबको बताइएगा, मैं जद्दा में इस वक्त मुकीम हूँ। पहले भाई बता दूं, मैं कल जद्दा मोबाइल फलस्तीन, जो फलस्तीन पर मोबाइल मार्केट है, वहां पर मौजूद था। मैंने देखा ये दौरियात इकामे चेक कर रही है, और इकामे बाई डिजिटल तरीके से चेक किए जा रहे थे। डिजिटल इकामे आपको पता ही, पहले से बहुत इसके मुतलक शोर चल रहा था, लेकिन ये रीन्यू नहीं हो रहे थे। 14 मार्च के बाद से अभी ये रीन्यू होना शुरू हो गए हैं। तमाम तर खारजी भाइयों को ये भी बेनिफिट दे दिया गया है, अगर मेरा इकामा यानी कि एक्सपायर हो रखा है तो मैं उसे 3 माह के लिए भाई बढ़ा सकता हूँ, 6 माह के लिए बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं 1 माह रहना चाहता हूँ तो मैं 1 माह की भाई फीस देकर उसे बढ़ा सकता हूँ। तमाम तर आमल हजरात को, जो दूसरे महीने वालों को, हज आदमी को छोड़कर, यानी कि हज मुलाजमों को छोड़कर, तमाम तर बंदो दूसरों को ये सहूलत दे दी गई है कि आप डिजिटल में अपने तजदीद करवा सकते हैं 1 माह 3 माह आपकी मर्जी के मुताबिक। बाकी जो आपको पता है जी, हज पर जो मुलाजिम काम करते हैं हरमैन शरीफ के अंदर वगैरह या मुसस्सो वगैरह में, जो हज भाई हज की तस्वीर वगैरह बनाकर देते हैं, बाहर से आने वाले हाजियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी खिदमत में पेश रहते हैं, उन तमाम तरह बंदों के कुछ तो भाई आपको पता है 6 माह की फीस माफ कर दी गई थी, और कुछ की 6 माह की फीस डिले कर दी गई थी, यानी कि आप किस्तों में भी पे कर सकते हैं। वो तो एक न्यूज मैंने आपके साथ मुकम्मल डिटेल से शेयर कर दी है। अभी तक के कानून जो आपको पता है, ये भी 14 मार्च से कानून बदल गया। आप अपना कफील अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अपना काम अपनी से देख सकते हैं, छुट्टी या खरूज भाई अपनी मर्जी से खुद लगवा सकते हैं। आपको अफसर के थ्रू, अगर आपका अफसर माशाल्लाह अभी तो हर बंदे का अफसर बन चुका है जी, अफसर के थ्रू भाई आप खुद से अब अपनी छुट्टी लगवा सकते हैं, वहीं से फीस पे कर सकते हैं। आप मैंने 3 माह जाना, 3 माह की कितनी फीस है उधर से पे करें, छुट्टी लगवाएं, अपना पासपोर्ट आपकी जेब में होगा। अगर आपके कफील के पास आपका पासपोर्ट है तो उसको बोल दे भाई मेरा पासपोर्ट मुझे दे दे, तेरी मेहरबानी है, सीधी साफ सी बात है, वो आपको दे भी देगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अपना पासपोर्ट पकड़ें, एयरपोर्ट पर जाएं, वो छुट्टी वाला पेपर दिखाएं या अफसर को उसको दिखाएं, सीधा उधर से भाई आपको भाई एग्जिट की मोहर लगेगी, आप अपने कंट्री में जाएं। अगर खरूज के मुतल्लिक है तो खरूज के मुतल्लिक भी ऐसे ही मामला होंगे, आप खुद से अफसर से भाई अपना खरूज भी लगवा सकते हैं। तब भी अगर आपको कोई मसला डाउट होगा तो आप 10-20 रियाल अपनी सिटी से भाई किराया दे टैक्सी वाले को और जवाजात में चले जाएं, वहां पर आप जाकर इजी तरीके से ये सब काम करवा सकते हैं। ये तो होगी मुकम्मल डिटेल। अभी इकामों के मुतल्लिक आपको बता दूं मैं, लेकिन इकामे तजदीद उन बंदों के ही होंगे आपको पता ही डिजिटल तरीके से 1 माह का या 3 माह का, जिनके इकामे भाई मौजूद हैं यानी कि एक्सपायर नहीं है, अभी खत्म हो रखे हैं या कुछ दिन पहले खत्म हुए हैं या 1 माह 2 माह बाद खत्म होंगे। जिनके इकामे भाई पहले से ही 2-2, 3-3 खत्म है, उनको भाई क्या ये 3 माह का इकामा आप रिन्यू कर लें 1 माह का, उनके तो भाई 3-3 साल से 2-2 साल से इकामे। कुछ बंदे मुझे कमेंट करते हैं ना भाई मेरा 2 साल से इकामा खत्म है, 3 साल से खत्म है, 4 साल से खत्म है, तो आप भाई अपना ये इस चीज का इंतजार कीजिए, या तो अपने कफील की मिनतरला कीजिए कि मेरे इकामे लगाते, तो यहां इस चीज का इंतजार कर लीजिए फिर कि ये गवर्नमेंट जब यानी कि सऊदी गवर्नमेंट जल्द से जल्द मुद्दत दे और हम भाई यहां से जाएं। जैसा कि पहले मुद्दत दी जाती थी कि ऐसे तमाम तरह अफराद, मैंने 1-2 दफा देखी है ऐसा टाइम दिया गया है, ऐसे तमाम तर अफराद या तो अपने मामला सीधे कर लें, अपने कफीलों के पास चले, अपने इकामे वगैरह सीधे कर लें, या वो तमाम अफराद जिनके इकामे एक्सपायर है उनके ऊपर कोई किसी किस्म का फाइन वगैरह या हरूब नहीं है, वो सऊदी अरेबिया से अपनी टिकट लेकर वापस जा सकते हैं। तो या तो उस टाइम का इंतजार कर लें या अपनी कफील की मिन्नत लगा करके लगवा लें, नहीं तो भाई अपने पैसे जमा करें, आप खुद से लगवा सकते हैं। इसके मुतल्लिक और इसके मुतल्लिक कोई भी किसी किस्म की डिटेल नहीं दी गई है कि तमाम तर आमल हजरात या और दूसरे महीने वाला हज आदमी को छोड़कर इनके इकामे वगैरह सस्ते कर दिए जाएंगे, ये ऐसी कोई भी न्यूज अभी तक नहीं आई है, और मेरे हिसाब से इसके मुतल्लिक कोई न्यूज आएगी भी नहीं। यही एक भाई सर्विस मुहैया कर दी गई है तमाम तरह अफराद को, 1 माह का 3 माह का आप जितना आपका मर्जी है इकामा लगवा सकते हैं, यही होगा इसके, इससे बढ़कर मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।